कच्चे तेल का भाव 5 हफ्ते के नीचे स्तर तक लुढ़क चुका है। ब्रेंट का भाव $80 प्रति बैरल के नीचे पहुंच गया है। ऐसे में क्रूड का भाव देखा जाए तो नवंबर से लेकर अब तक 5% से ज्यादा लुढ़क चुका है। दरअसल कच्चे तेल की यह कमजोरी, कोरोना के बढ़ते मामलों, मांग में कमी, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी और US में क्रूड की इन्वेंट्री गिरने के चलते देखी जा रही है। आपको बता दें कि यूरोप, चीन में कोरोना के मामले बढ़े हैं, जिसको देखते हुए चीन ने प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है और इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर क्रूड पर EIA ने कहा है कि US क्रूड इन्वेंट्री 21 लाख बैरल घट चुकी है, जबकि गैसोलीन की इन्वेंट्री 6 हफ्ते के निचले स्तर पर है। वहीं गैसोलीन की इन्वेंट्री 28 लाख बैरल घटी हुई दर्ज की गई है। कच्चे तेल की गिरावट पर इंटरनेशनल बाजार में हलचल तेज हो गई है। US ने कहा है कि क्रूड रिजर्व का कोऑर्डिनेटेड रिलीज जरूरी है और चीन और जापान कोऑर्डिनेटेड तरीके से क्रूड को रिलीज करें। US SPDR से क्रूड रिलीज करने पर विचार किया जा रहा है। वहीं US राष्ट्रपति जो बाइडन ने FTC को दिए जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। FTC गैसोलीन मार्केट में गैर कानूनी कलंक की जाँच करेगी। इस बीच OPEC का कहना है कि क्यों फोर ग्लोबल डिमांड आउटलुक घटकर 3 लाख बैरल पर डे पर आ चुका है। कोरोना के मामले यूरोप में तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मामले अभी फिलहाल बढ़ते दिखाई दिए हैं। इन सभी खबरों के चलते कच्चा तेल फिलहाल लुढ़कता दिखाई दिया है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि कच्चे तेल में अब यहां से गिरावट गहराती हुई नजर आ सकती है। हो सकता है आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की जाए। अगर यूरोप के अंदर कोरोना के मामले बढ़ते हैं और मांग में इफेक्ट आता है और सप्लाई बढ़ाई जाती है, तो आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर से धराशायी होती दिखाई दे सकती हैं और कच्चा तेल दिसंबर वायदा 5500 के घरों में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।